मुझे गुस्सा है ना वो दीपक चाहर पे है जी जी। यार उसकी तो स्पीड ही नहीं है, एक्शन बनवा ले। ये कोई टिकटॉक की मूवीज थोड़ी बनानी है आपने, यहाँ पे डांस बीट में थोड़ी करना है और आपने इंडिया के लिए खेलना है। आधा यू आया है मोइन अली और यू, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पिछले मैच में क्या हो गया था, चले वो पहला मैच था उसमें तो आप देंगे मार्जिन। आज देखे ना ब्रेनलेस किस्म की बैटिंग फ्रॉम एलएसजी, मैच वाज देयर टू लूज। भाई जब आप 80 रन बना लेते हैं 6 ओवरों में और आपको पता है बॉलिंग हमारी बिल्कुल माठी है, थर्ड क्लास है, बैठी हुई है। आप देखे दीपक चाहर 14 करोड़ रुपए में ये बिका बंदा, वो देश पांडे देखे इतनी नो बॉले तो कोई इसके तो पाओ के आगे कोई रबड़ बांधे कोई डंडे लगाए कुछ करें। इंपैक्ट प्लेयर देखे आप, इसके इंपैक्ट देखे। और जनाब ये है मोइन अली, ये है मोइन अली जिसे पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी कहीं रख के भूल गए थे। आपका पांड्या भाई वो कैसे ऊपर आ रहा है, कुणाल पांड्या कौन है वो, किस वजह से ऊपर आ रहा है। आयुष बदोनी इतना नीचे, ठीक है स्ट्रगल किया उसने, बहुत नीचे भेज दिया आपने। कुणाल पांड्या को देखें, हुदा इंडिया खेल गया और लोग कहते हैं इसके बारे में कुछ ना कहें, तो जब आपने किसी के बारे में कुछ नहीं कहना तो फिर मैच क्यों देख रहे हैं, फिर कागज कॉपी पे लेते रहे। ये मेरा यार है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा दिलदार है, ये मुझसे इसको प्यार है, ऐसा लिखे। फिर देखें क्रिकेट में आपका मुल्क पहले होता है, क्रिकेट में रिक्वायरमेंट्स पहले होती है। वो देखो आज बेन स्टोक्स को एक ओवर दिया 18 रन गाए हैं, नहीं दिया। देश पांडे को ओवर दे दिया, देश पांडे इतना डर लगा हुआ था मुझे, वो देखे आखिरी 2 बॉलों पे छक्का चौका खा गया, लेकिन शुक्र है 12 रन से हम बच गए। बट रिजवान हैदर साहब ये बॉलिंग हमारी मजदार नहीं, केएल राहुल की कप्तानी बार बार आपको लेट डाउन करेगी। रन्ना बॉल ऊपर से कर गया, पांड्या रन्ना बॉल कर गया, वो हुदा जो है 6 बॉलों में 2 कर गया। जब आप चेज कर रहे हैं 217 218 करना है, 80 आपको पावर प्ले में मिल गया है, तो उसके बाद भी अगर आप टक आउट हो जाए, वो स्टोनिस भी माजरत ही खेल के गया। ये पूरन थोड़ा बेहतर खेला है, 18 बॉलों में 32, बाकी ये वो एक ऊपर से मायर्स ने कमाल की इनिंग्स खेली है, बाकी तो आपके प्लेयर लग रहा था सीएसके के लिए खेल रहे हैं। अगर आप इस तरह के, और देखो जैसे पिशावर की हल्की तरीन बॉलिंग है नजर आ गया, हमने सारी टीमें देख ली हैं, हमारी बॉलिंग बहुत हल्की है। ये फैसला करना पड़ेगा धोनी को कि ये देश पांडे और वो मंगल पांडे और राहुल पांडे, ये जितने पांडे हैं इनको कितने दिन खिलाना है। ये जितने ज्यादा दिन राहुल चार एंड कंपनी दीपक चार एंड कंपनी चलेंगे, ये देश पांडे वांडे आई एम वेरी सॉरी, इससे आप एक आध जीत तो लेंगे, लंबी जीतें नहीं ले सकेंगे। और गायकवाड कितने दिन गायकवाड जो हमें जिताएगा, अगर ये थ्योरी मैं मान लूं कि जनाब धोनी यंगस्टर को खिला रहा है तो धोनी रिटायरमेंट ले ले, जो बंदा और यंगस्टर को खिलाना चाह रहा है वो रिटायरमेंट ले, वो इसलिए कि वो है इंपैक्टफुल लोग, उनको देखने क्राउड आता है। ये जो 40, 50, 60, 70, 80 हजार क्राउड आता है, ये भाईजान आपके ब्रांड्स को देखने आता है। हमारी देश में जो सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा है ना वो दीपक चाहर पे है जी जी। यार उसकी तो स्पीड ही नहीं है, एक्शन बनवा ले। ये कोई टिकटॉक की मूवीज थोड़ी बनानी है आपने, यहाँ पे डांस बीट पे थोड़ी करना है और आपने इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेले हैं। ये यार क्रिकेट खेल रहे हैं आप, इस क्रिकेट से आप खेलेंगे टीम इंडिया के लिए, मतलब यू आर सपोज टू स्पेयर इट, यू आर द वर्स्ट बॉलर फॉर टीम इंडिया।